हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल ऑफ दीक्षा क्लासेस। आज अपन जेई मेन 2020 के फर्स्ट सेशन के पहले दिन के पहली शिफ्ट के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं पुलकित चंडक, बीटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आपके लिए केमिस्ट्री पेपर के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं और ये देखेंगे कि पेपर मोर और लेस बहुत ही सरल था, और अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इजीली आप जेई मेन में अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट और डाइक्रोमेट। तो बच्चों, ये डीएनएफ ब्लॉक से है। क्रोमेट आपको पता है ये होता है Cr(O)4-2-, डाइक्रोमेट होता है Cr(2O)7-2-। ठीक है, अब अपन यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन -2 में, क्रोमियम +6 में। ठीक है, यहाँ देखें ऑक्सीजन -2 में और यहाँ भी क्रोमियम +6 में है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हुआ? 6-6 = 2। ठीक है, आंसर 0 है पर नंबर आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। विच कैटायन, ठीक है, विल गिव डीप रेड। बेटा यहाँ से एक तो हिंट मिलेगी और यहाँ से मिलेगी। DMG है लाल रंग का, कोई सुनहरे रंग का PPT है, मीडियम बेसिक है, कैटायन पूछा है। याद आ गया? याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये है निकेल 2+, निकेल। जी हाँ, निकेल का कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स है Ni DMG Hol2. यहाँ पर आपको और बता दूं, -1 में होता है DMG, निकिल +2 में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही अच्छे सुनहरे रंग का, लाल रंग का होता है। इसका आंसर हुआ बच्चों निकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे स्टेबल क्या है? बच्चों ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन ऐसे उठ के आई है जेई में। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है NF3। क्यों? क्योंकि देखो साइज डिफरेंस कितना कम है, यहाँ हर जगह साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये बाकी सारी BCD बहुत ही विस्फोटक, फट फटाफट एक्सप्लोसिव होती हैं। इसका जो आंसर होगा NF3। चलिए, सबसे स्टेबल NF3। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ COCO बॉन्ड, ठीक है, इतने हैं। टर्मिनल का मतलब होता है बच्चों जो सबसे आखिरी में आ रहे हैं। तो ये टर्मिनल बॉन्ड्स हुए, तो आपको बताना X+Y कितना होगा। अब ये सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ये भी जो कार्बोनिल वाला टॉपिक है वहाँ से है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं, CO, यहाँ पर ये कार्बोनिल वाला CO, ध्यान रखना ये तो कोबाल्ट वाला है, ये कार्बोनिल वाला है, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गए CO, NCERT में सीधा लिखा हुआ है ये CO, ये हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर CO2 CO8 का। अब बताइए X कितना हुआ, नंबर ऑफ COCO बॉन्ड कितने हैं? 1 है, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है। टर्मिनल CO कितने हैं? ये टर्मिनल आखिरी वाले 3 3। तो X+Y कितना होगा? ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर भी साथ है, हम सब भी साथ साथ सॉल्यूशन देख रहे हैं। चल नेक्स्ट देखें।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बेटा ये तो मेटल है, सोडियम खतरनाक वाला है, उसकी ऑक्साइड है, तो ये तो हुई बेसिक, सोचना ही नहीं है। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, इन दो को जानते हो, N2O, NO और CO, ये तीनों ऑक्साइडें न्यूट्रल होती है ना। तो ये जो ये दोनों हुई न्यूट्रल, बची कौन सी? ये। और आपको पता है आर्सेनिक किस में आता है? बताइए किस में आता है आर्सेनिक, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं बीच के दो, ये मेटलॉइड होते हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना। तो ये वाली एम्फोटेरिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ, ये केमिकल, अब इसको आप केमिकल बॉन्डिंग से भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन से भी कह सकते हो। पूछा क्या है? पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। चेक करते हैं BrF5 ब्रोमीन, अच्छी बात है। कितने वैलेंस ब्रोमीन में? 7 होते हैं, बना दीजिए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना दिए जी। फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन जोड़ दो, ये 5 फ्लोरीन जोड़ दिए। अब आप देखोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या हो रहा है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। लोन पेयर कितने हैं? 1। तो आंसर क्या हुआ? 6। 6 में क्या होता है? sp3। तो 1 तो हो जाएगा, 1 किसके साथ मैच करेगा? sp3d2, ये हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट CONH3O6 2+। यहाँ देखते हैं, चलो पहले ये वाले देख लेते हैं सिंपल, ताकि वो अपने आप मैच हो जाएगा। PCl5 देखें, P5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5ों पे Cl गया। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पे 5+0 5, 5 में क्या होता है? sp3d। तो PCl5 का हो रहा है sp3d, इसका है 3। अब बच्चों ये तो आप लॉजिकली बता सकते हो ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 का ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, निकाल के भी आप बहुत आसानी से देख पाओगे। जब ये है तो ये 6 है, 6 का ये हो जाएगा। और इसमें हिंट क्या है? अंदर वाले डी यूज आ रहे हैं, क्यों? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, शिफ्टिंग कर देगा, पेयरिंग कर देगा अंदर, इसलिए अंदर के 2 डी खाली हो जाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, टेम्परेचर ये है, आर ये है, सल्यूट ग्लूकोज है, दिस। आपको कंसंट्रेशन निकालनी यार, ये तो बहुत सीधा सॉल्यूशन चैप्टर से फॉर्मूला है, πIcRT। पाई कितना आ रहा है? 7.47। अब ग्लूकोज के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है, 1। कंसंट्रेशन अपन सी मान लेते हैं, आर 0821, और टेम्परेचर क्या होगा? 300। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा 300। चलो अब ये आई कंसंट्रेशन, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? ये हो जाएगी 7.47 0821 इंटू 300। बेटा यूनिट पे ध्यान रखना, यूनिट होगी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर। मुझे किस में निकालनी है?
मुझे निकालनी है ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में क्या होगी भाई, मोल से अगर ग्राम पे जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्या होगा, डिवाइडेड बाय 821 to 300 to 180 ग्राम पर आ जाए। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 54 ग्राम पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 इज यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस एन इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। अब बच्चों क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो इसके ऑप्शंस बच्चों को याद नहीं रहे क्या थे, पर जो मोस्ट प्रोबेबल था जिसे एक दो बच्चों से तो सुना कि क्या है इसका, जनरली वो इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, 2NH3 हेबर प्रोसेस जो है, इस रिएक्शन की बात हो रही थी और ये सवाल इस रिएक्शन का था, ठीक है। बस सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ आपको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन केपी पी, पी मतलब टोटल प्रेशर और क्या है अल्फा, ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, अब यहाँ एक एक करके लिखना पड़ेगा, पहले मोल्स मान लेते हैं, इसके 0 एन, इसके गए माइनस एन अल्फा, इसके बने एन अल्फा, 1/2 एन अल्फा, अब कितने बचे, एन 1 - अल्फा एन अल्फा, एन अल्फा 2, ठीक है। अब आपको पता है पार्शियल प्रेशर ये का क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया एन इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये आएगा कि नहीं, एन अल्फा कैंसिल, एन प्लस एन अल्फा 2 एन 1 + अल्फा, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर बी हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, एन अल्फा अल्फा 2 बी, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, एन अल्फा 2 एन 1 + अल्फा 2 इंटू बी, ठीक है। अब क्या करें, अब अपने को के पी लिखना है, यहाँ अपन लिखेंगे अब केपी, केपी क्या होगा, पीबी, पीबी इतना है तो एन तो हटा देता हूँ मैं, अल्फा ओवर 1 + अल्फा 2 इंटू पी, यह हुआ पीबी, पीसी की पावर इसकी ये सी स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 आएगी, तो ये लिखें अगर तो ये आपका हो रहा है अल्फा 2 बटा 1 + अल्फा 2 इंटू पी और इस पूरे की पावर 1, ये हुआ अपॉन ये कितना है 1 - अल्फा ओवर 1 + अल्फा 2 इंटू पी, ये आपका है पी, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज। अब यदि आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर आ रहा है अल्फा पी, ठीक है, ये चीज ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1 + अल्फा 2, यहाँ से आएगा अल्फा 2 की पावर 1/2
पी की पावर 1/2 ये चीज आई, अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस अल्फा/2, ये अल्फा/2 यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 1/2, नीचे ये 1 माइनस अल्फा और ये चीज आएंगे। ठीक है, अब इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं, अब तो काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं है। पी से पी गया और क्या बच रहा है, यहाँ देखो 1 प्लस अल्फा/2 से ये गया अल्फा/2 की पावर 1/2 p की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ देखो, ये हो जाएगा α/3/2 टू अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट 2। अब क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बहुत छोटा है, 1 के हिसाब से बहुत छोटा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एपी ये आए क्वेश्चन में, ये चीज़ आप अप्लाई करते ही हो जनरली कि अल्फा क्या है, 1 से बहुत ही छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया, एपी बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेटलर्जी का क्वेश्चन है, क्या होगा कैलेमाइन, आपको पता है कैलेमाइन ZnCO3 है, इसके साथ मेल खा गया सीधे राइट FeCO3, अरे ये तो सीधा ही दे रखा है, कैलिना PbS कैलेराइट ZnS, इसका दूसरा नाम जिंक ब्लेंड भी। ठीक है चल नेक्स्ट देखें, इसको अगर अपन ध्यान से देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा फॉल्स, ऑयल वाटर इज एन अनस्टेबल इमल्शन, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका उदाहरण देखो मिल्क, बेटा मिल्क में को आपको गर्म करके रखना पड़ता है, अगर आपने बिना गर्म करी उसे छोड़ दिया खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला तो सही है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं नहीं अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मिला दिए तो वो तो और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, गलत है। चलिए अगला देखते हैं, B2H6 लुईस एसिड है, जी हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि आपको पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीधा है, तभी तो ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो लुईस एसिड है, ये गलत है, 4 नहीं होते 2 ही होते हैं, तो 2 ही है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये गलत। ऑल BH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, एंड गलत, क्यों गलत, ये चारों इक्वल है पर ये इक्वल इनके साथ नहीं है, सारी इक्वल नहीं, प्लेनर ये गलत, प्लेनर का है, एक ऊपर है एक नीचे, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 एंड NaBH4, ये सही है, क्यों देखो BF3 NaBH4 अदला बदली कर दो, NaBF4 प्लस B2H6, क्योंकि फ्लोरीन अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा F-। ठीक है, तो देखो अदला बदली हुई है, अब ये तो बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस कैसे होगा,
अगर बैलेंस बैलेंस आप कर सकते हैं, आप बैलेंस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सही है, तो आंसर क्या हुआ मेरा, 1 NDR का ये चीज। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक्स बना रहा है HCP, तो मान लेते हैं एक्स के कितने हैं। तो अगर एक्स HCP बना रहा है तो लिख लेते हैं इसके n है, अगर इसके n है तो y कितने होंगे, 2/3 of 2n, 4/3n। ठीक है चीज, तो मोल परसेंट ऑफ x कितना हुआ, x का मोल परसेंट इसके कितने मोल, n बटा टोटल कितने हुए, n प्लस 4/3n इंटू 100। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3/7 टू 100। ठीक है, तो अंदाजन कितना आएगा यार, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 43% के आसपास आए। चलिए अगला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉल्यूबल इन इथेनॉल, जी हाँ, क्योंकि इनमें पोलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता, सॉरी पोलर नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ये सही है। नहीं ये गलत, और लिथियम और मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर एल्कली मेटल, जी हाँ, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं तो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है लिथियम फ्लोराइड की, क्योंकि दोनों छोटे छोटे मिल गए बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएंगे, तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये इसका करेक्ट। अब अपन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बेटा सीधा सवाल किताब से उठ के आया है, पेनिसिलिन फैक्ट है ये। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड, इसमें देखो ये दे रखा है, इसमें बीटा लिंकेज है कार्बोहाइड्रेट, H2SO4 प्रोडक्ट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड से पता चल गया आपको कि इसमें ग्लूकोज होना है ना, अगर ग्लूकोज होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज है और बीटा लिंक चाहिए, तो बेटा एक ही है सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज में ही ग्लूकोज होती है और उसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, आंसर हो गया इसका सेल्यूलोज। कॉन्जुगेटेड डाई ओन, बेटा ये तो सीधा दिख रहा है, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं, के साथ ये है पर आपस में ये, इसका आंसर हुआ 1। अगला, विच कैन नॉट बी सप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म, बेटा जादू, कोई मिल गया देखी होगी, वहां धूप खानी पड़ती है ना जादू को, आप भी धूप खाया करो, क्योंकि धूप से ही आपको मिलता है विटामिन, खाने में नहीं मिलता, इसका आंसर क्या, मिंटी। लोन पेयर्स इन मेलामीन, पॉलीमर के चैप्टर से है, और आपको बताना चाहूंगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे C N C N C N, ये देखो बेंजीन जैसा ये बनाया है मैंने, ये पहले ऐसे जोड़ देता हूँ, अब डबल बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ बना दिया, और क्या बनाऊँ, इन दो के बीच ऑल्टरनेट ये बना दिया, NH2 NH2 NH, कितने लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया
चलिए 2,7 डाई मिथाइल को एसिडिक मीडियम से रिएक्ट कर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्टा मतलब 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हुआ, ठीक है 8 हो गया। इसके बाद क्या नंबरिंग कहीं से भी दे देते हैं, 2, 6 पे डाइईन है तो एक यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक यहाँ है, 2, 7 पे मिथाइल भी है, 7 ये तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मिथाइल, आप इसमें कर रहे हो एसिडिक। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको बताना चाहूँगा एसिडिक मीडियम है यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, देखो इस तरफ कार्बोकैटायन बना और यहाँ अभी भी ये है, यहाँ अटैक करा इस तरफ प्लस बन गया। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ये प्लस ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, क्यों यहाँ बनेगा ताकि प्लस यहाँ आए स्टेबल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर की रिंग बननी है। तो उसके बाद क्या होगा, 5 मेंबर की पहले रिंग बना दीजिए, बना दिया, ये कार्बन यहाँ से मैं यहाँ गोल कर देता हूँ, ये इससे जुड़ेगा इससे, तो ये है ये, ये रहा, ये कहाँ गया ये रहा। अब आप बाकी बना दीजिए, इस पे क्या ये दो ऐसे जुड़ेंगे और यहाँ पे प्लस होगा और इससे कहाँ जुड़े हैं ये दो मिथाइल, ठीक है। अब बेटा आपको दिख रहा है ये रिंग एक्सपांशन हो सकता है, ठीक है, रिंग एक्सपांशन बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं इसका रिंग एक्सपांशन करूंगा तो ये अंदर आ जाएगा, है ना, समझो ये चीज, ये यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा, इधर से बॉन्ड टूट के इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, ये मेंबर की रिंग बन गई, यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर गया तो ये बना, ठीक है, और इस पे ये और यहाँ पर ये चीज बनी। इसके बाद फिर से मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ होगा मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करी तो ये चीज हुई। अब इसके बाद तो क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, बस डबल बॉन्ड बना दीजिए, ये फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा था कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रोडक्ट में, तो देख सकते हो प्रोडक्ट में 2 sp2 हाइब्रिडाइज है, एक तो ये और एक 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है बच्चों, थोड़ा लंबा सवाल था पर इजी था। चलिए अगले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टर लिंकेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल है PHPV, आप देख लेना NCERT में देख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉली PH। अगला देखें ये बेटा, NaCN सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो CH3 या CN आ गया, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छी बात है।
टू और थ्री में कौन सी रिएक्शन दिख रही है बच्चों आपको? ध्यान से देखो, टू के बाद क्या होगा? ये स्टेप वन, स्टेप टू में क्या होगा? OH माइनस मिला रहे हो, इधर OCH3 है, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हटा दे। फिर इसके बाद आप मिला रहे हो साइक्लो हेक्सेनॉन, ये मिला रहे हो साइक्लो हेक्सेनॉन, तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस पे अटैक करके भूल देगा, है ना, अटैक करके उस पे खोल देगा, और पानी तो है तो आपको क्या मिलेगा? OCH3, हाँ, CN, ये किस कार्बन पे अटैक कर रहा है? इस पे, रिंग पे अटैक कर रहा है, तो ये मैंने रिंग बना ली, रिंग की एक तरफ क्या आ जाएगा? ओ है, देखिए ध्यान से, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या, H2 निकल कर रहे हैं, तो H2 निकल क्या करेगा? तो ये हो गया थर्ड, H2 निकल को रिड्यूस कर देगा, और आपको क्या मिलेगा? OCH3, ऐसे CH2NH2, इधर और OH क्या आ जाएगा? तो ये कंपाउंड आपको मिल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर डिक्रीजेस फ्रॉम इवन नंबर टू ऑड नंबर। देखो, इवन नंबर वाले सिमेट्रिकल होंगे आधे आधे, ऑड नंबर में एक हमेशा बीच में बचेगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर वाले सिमेट्रिकल हैं, इसलिए उनका लैटिस स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जी हाँ, जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ेंगे, नॉन पोलर चीज़ बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी, तो ये गलत है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सही लिखा है, ये भी डिक्रीज होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसी के साथ अपन आखिरी सवाल पे पहुंच गए हैं, क्या होगा यहाँ? देखिए, आठ सल्फोनेशन कुछ, सॉरी नाइट्रेशन करा रहे हैं, फिर कुछ ब्रोमिनेशन जैसा हो रहा है, फिर एलिमिनेशन कुछ होगा, ये क्या चीज़ है? बेंजीन तो लगेगी, कितने दो कार्बन और, ये जोड़ दिए दो कार्बन, नाइट्रेशन कराओ, तो अगर नाइट्रेशन कराओगे कहाँ आएगा? नहीं आएगा पैरा पे। फिर आप करा रहे हो ब्रोमिनेशन, बेटा ध्यान से देखो, यहाँ AlBr3 नहीं लिया है, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल वाला हेलोजन है, हीट या यूवी लाइट, तो जो बी होगा फ्री रेडिकल वाला यहाँ होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल वाला यहाँ होगा। अब यहाँ आप एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और इधर आ गया एन, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलो बच्चों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी और इससे आपके आगे आने वाले टेस्ट में बहुत फायदा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।